हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डन की भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट यूपी पुलिस जेल वार्डन एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2018। दोस्तों ये वैकेंसीज अभी आज की डेट में आई है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ इसके बारे में। मैं आप देख रहे हैं पोस्ट डेट 30 सितंबर। आप आज हमारे दोस्तों 30 सितंबर है, मैं आपको न्यूज सबसे पहले दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट अक्टूबर 2018। फ्रेंड्स जो आप ये फॉर्म देख रहे हैं इसको आप फिलअप कल से ही कर पाएंगे, मतलब अक्टूबर के महीने में दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर इसमें आपकी फीस की बात की जाए, इसमें आपसे फीस मांगी गई है ₹400 ओनली, ठीक है। अगर आपकी कास्ट जनरल है, ओबीसी, एससी है, आपकी कास्ट चाहे जो भी हो दोस्तों, आपसे ₹400 फीस इसमें मांगी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वैकेंसीज के बारे में। इसमें आपसे टोटल वैकेंसी दी गई है 5419 वैकेंसी दोस्तों। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 5419। दोस्तों अगर इसमें आपकी बात एज की जाए, इसमें आपकी एज मांगी गई है 18 से 22 ईयर, ठीक है। आपकी जो एज है दोस्तों 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपकी बात फीमेल एज की जाए, तो फ्रेंड्स आपकी फीमेल की जो एज मांगी गई है 18 से 25 ईयर फीमेल की उम्र होनी चाहिए इसमें दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपकी इसमें पोस्ट की बात की जाए, इसमें आपकी जेल वार्डन में टोटल पोस्ट दी गई है दोस्तों मेल के लिए 3012। और फ्रेंड फीमेल की बात की जाए, इसमें 626 वैकेंसी फीमेल के लिए दी गई है जेल वार्डन में, ठीक है। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों, इसमें आपसे ओनली प्लस टू पास मांगी गई है। हाँ जी फ्रेंड्स, आपकी एकदम ओनली प्लस टू पास होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लस टू इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड इन यूपी और अदर स्टेट। फ्रेंड्स आपके पास ओनली प्लस टू पास होनी चाहिए, चाहे आपने कौन से रिक्वायरमेंट बोर्ड से कर रखी हो, कौन से स्टेट से कर रखी हो, आपके पास प्लस टू की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपसे इसमें हाइट की बात की जाए, इसमें आपकी मेल की हाइट मांगी गई है 168 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें चेस्ट की बात की जाए दोस्तों, इसमें आपकी जो चेस्ट मांगी गई है 79 से लेके 84 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं फायरमैन की वैकेंसीज के बारे में। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल पोस्ट, जिसमें आपकी जो फायरमैन की पोस्ट दी गई है 1689 वैकेंसी आपकी फायरमैन की दी गई है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो आपकी हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जिसमें आपकी जो चेस्ट मांगी गई है दोस्तों 77 से लेके 82 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा बात कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स के बारे में दोस्तों। आप देख रहे हैं पोस्ट नेम। फ्रेंड्स आपकी जो कॉन्स्टेबल हॉर्स राइडर है, आपकी जनरल की पोस्ट दी गई है 51 वैकेंसी है दोस्तों। एससी की 21 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 28 है दोस्तों। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें हो जाती है 102 वैकेंसीज, ठीक है। फायरमैन की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे फायरमैन। फ्रेंड्स जिसमें आपकी जनरल की वैकेंसी दी गई है 841, एससी की 352, एसटी की 33, ओबीसी की 453। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें हो जाती है दोस्तों 1689, ठीक है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं जेल वार्डन के बारे में, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज दी गई हैं। ये फॉर्म मैं आपको इतना कहूंगा दोस्तों, आप इस फॉर्म को पक्का फिलअप कीजिएगा जेल वार्डन वाले को, ठीक है। इसमें दोस्तों आपकी मेल की वैकेंसी दी गई है 1507, एससी की दी गई है इसमें दोस्तों आपकी 632, एसटी की 60 वैकेंसी है, इसमें आपकी ओबीसी की 813 है। और फ्रेंड टोटल वैकेंसी की बात की जाए आपकी इसमें 3012 वैकेंसीज हो जाती है टोटल मिला के। एंड फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे फीमेल के लिए, फ्रेंड्स में आपकी जो फीमेल की वैकेंसी दी गई जनरल में 314 वैकेंसी, एससी में 131 वैकेंसी है, एसटी में 12 वैकेंसी है, ओबीसी में 169 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी इसमें दी गई है दोस्तों फीमेल के लिए 626, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज चाहिए हो, आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।